गाइस, अगर आप एक बेस्ट सीसीटीवी कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए सीपी प्लस की तरफ से आने वाला E24A, जो कि एक वायरलेस सीसीटीवी कैमरा है और इसे मैंने सिर्फ 900 रुपये परचेस किया था। तो इसको कैसे परचेस करना है, कैसा ये सीसीटीवी कैमरा है और ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं टैक अनबॉक्सिंग। तो गाइस, कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में आ जाता है हमारा सीपी प्लस की तरफ से आने वाला E24A 2 मेगापिक्सल का फुल एचडी कैमरा। तो गाइस, कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग है जो कि आपने पिछले वीडियो में भी हमारे एक और सीपी प्लस के कैमरे में देखा होगा, उसकी भी मैं यानी इधर में लिंक डाल दूंगा जहां से आप जाकर के देख सकते हैं। वो 3 मेगापिक्सल का कैमरा था। तो इसमें आपको 1080p फुल एचडी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 360 व्यू मिल जाएगा, मोशन डिटेक्शन अलर्ट्स मिल जाएंगे, मोशन ट्रैकिंग मिल जाएगी और प्राइवेसी मोड मिल जाएगा और IR लाइट्स मिल जाती है। कैसे क्या है, इसको यूज करना है कैसे, ये मिलेगा हम अंदर अभी जानेंगे। गेट इंस्टेंट अलर्ट्स योर फोन, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसका पूरा कंट्रोल हो जाता है। एनीवेयर कहीं से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ईच कैम जो ये लिखा हुआ आपको देखने मिल रहा है, इसके बारे में भी हम अभी आगे जानेंगे। तो इसे आप गूगल एलेक्सा दोनों के साथ में इसको आप यानी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं, ये सील लगी हुई है। क्या क्या आ गया है बॉक्स के अंदर में, इनसाइड द बॉक्स। तो ये एक डब्बा, शायद इसमें हमारा कैमरा है, मेन यूनिट, देन एक यूज़र मैनुअल और एक और बॉक्स है अंदर में, उसको निकालने के लिए तो बड़ा घुमाना खुल गया सिम। तो अंदर में और कुछ नहीं है बॉक्स के, बॉक्स को रख देते हैं हम साइड में। तो ये कुछ यूनिट्स, तो गाइस ये हमारा मेन यूनिट है और इसमें एसेसरीज और ये हमारा यूज़र मैनुअल है जिसे अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो। तो चलिए हम पहले एसेसरीज़ देख लेते हैं, एसेसरीज़ में क्या क्या हमें मिल जा रहा है। वाह यार, पैकेजिंग के मामले में तो बहुत अच्छी है सीपी प्लस। तो ये 2 गुच्ची और 2 बोल्ट मिल जाते हैं अगर आप इसे वॉल में माउंट करना चाहते हैं। हमारा एक अडाप्टर मिल जाता है हमें जिससे कि हम इसे पावर देंगे कुछ इस तरीके से। सीपी प्लस की यहाँ पर ब्रांडिंग है और ये है 5 वोल्ट 1 एम्पीयर, शायद आपको कैमरे में दिख जा रहा हो अडाप्टर, पावर अडाप्टर। और ये इसके साथ में केबल, सी टाइप की केबल मिली, वाओ, USB 2 C टाइप केबल की क्वालिटी भी अच्छी है। इसे रखते हैं हम साइड में, दोबारा जाते हैं हमारे मेन यूनिट पे। वाओ यार, पैकेजिंग के मामले तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अंदर और कुछ नहीं है, इसको भी रख देते हैं हम साइड में। तो यहाँ पे रेड कलर से सीपी प्लस देखने के लिए मिल जा रहा है लिखा हुआ, ऐसे रेड कलर से नीचे में सब्सक्राइब का बटन रहता है उसे भी दबा दीजिएगा गाइस। और यहाँ पे एक फिल्म चढ़ी हुई है, रिमूव दी फिल्म, इसको यूज करने के पहले हमें हटाना होगा। यहाँ वॉल माउंट मिल जाता है जिससे कि अगर आप इसे वॉल पर कसना चाहते हैं तो आप इसको यानी यहाँ से निकाल करके यानी इसको आप वॉल के ऊपर में कस सकते हैं। पीछे की साइड में आपको सीपी प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है CP E24A और 2 MP PT कैमरा, 3.6 mm लेंस है इसमें यानी कि, और वाईफाई 15 मीटर तक के की ये सपोर्ट कर लेता है IR, और 5 वोल्ट 1 एम्पीयर इसको यानी पावर चाहिए रहता है। क्वालिटी चेक फास्टेड है और यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर है जिससे कि आप 2-way टॉक भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़, रीसेट बटन मिल जाता है यहाँ पर, यहाँ पर आपका टाइप सी यानी कि जिससे पावर देना है हमें। और नीचे के साइड में ऐसा कुछ नहीं, अब कार्ड कहाँ लगेगा, तो कार्ड वो यहाँ पर लगता है यानी इसमें इस जगह पर, यहाँ पर कार्ड इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर एक साइन भी बना हुआ है, शायद आपको कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। और बाकी यहाँ से कार्ड लगा सकते हैं और इस फिल्म को आप रिमूव करके इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा 360 यानी राउंड करता है। चलिए इसको हम अब टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस, ये हमारे पास में 32 GB का मेमोरी कार्ड है सैंडिस्क का, तो इसको मैं यहाँ पर पहले इंसर्ट कर देता हूँ, देन उसके बाद हम इसमें पावर देंगे। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, आप भी अगर लेते हैं इसे तो इसी तरीके से इंसर्ट कीजिएगा कार्ड को। तो कार्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, अब इसे हम नीचे की तरफ में रोटेट कर देते हैं और इसी फिल्म को निकाल देते हैं अभी। तो गाइस, यहाँ पे मैं इसे पावर दे रहा हूँ, मैंने इसमें पावर लगा दिया। अब देखिएगा कैसे ये साउंड करेगा, यानी जो इसका स्पीकर बहुत तेज साउंड करता है। 1 2 3 GO तो अब इसे हमें कनेक्ट करने के लिए अपने यानी कि मोबाइल में इजी कैम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। हालांकि मेरे पास पहले से वो डाउनलोड है, तो मैं उसी में जा करके इसको ऐड कर देता हूँ गाइस। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास में इजी कैम ऐप है, ये बोल भी रहा है कि देखिए अभी कनेक्ट नहीं है। तो मैंने अपना ये चालू कर दिया ऐप को, इजी कैम ऐप को यहाँ से ऐड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे E24 हमारा जो मॉडल नेम है उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। हालांकि अगर आप जैसे कि अगर मॉडल नेम के थ्रू ऐसे सर्च नहीं करते हैं तो यहाँ पर यानी इसके थ्रू भी आप स्कैन करके मोबाइल के थ्रू यहाँ पे स्कैन करने के लिए देता है, देन आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना E24 हमारा जो मॉडल नेम है उसको हम यहाँ पे जाएंगे
यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन ये 2.4 GHz। हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूँगा गाइस, जो भी ये वायरलेस CCTV कैमरास होते हैं ये 2.4 GHz पे ही वर्क करते हैं। 5 GHz पे देख लीजिए, उसके ऊपर भी कट आ गया है लिखा हुआ। तो यहाँ पर अभी हमको वाईफाई नेम डालना पड़ेगा अपना, देन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि बार कोड आ गया है, मैं इसको मुझे इसको अपने कैमरे इस कैमरे के सामने ले जाना पड़ेगा इस तरीके से आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कैमरा E24A यहाँ पे दिखा रहा है और सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो इसे हम डन कर देंगे, देन उसके बाद में ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखने लग गया हूँ कैमरे के थ्रू। तो मैं इसे ज़रूर थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, अब मैं हल्का सा आपके सामने। हाय गाइस, क्वालिटी देख सकते हैं, आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं दिख रही होगी, हालांकि जो मोबाइल में दिख रही है। इसका जो रिकॉर्डिंग फुटेज रहेगा मैं इसको एक साइड में चला दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे कि आपको क्वालिटी समझ में आ जाए, है ना। तो इसका नाइट मोड भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। कुछ इस तरीके से आप इसको 360 में रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं इस वाले पे। टैप करने के बाद में देख सकते हैं प्लेबैक, गैलरी, थीम, प्राइवेट मोड, नाइट मोड, एंटी फ्लिकर, मोशन ट्रैकिंग और ये मोशन डिटेक्शन और साउंड डिटेक्शन, ऑडियो एडिट। आप इसको और भी एडिट कर सकते हैं यानी अपने तरीके से। यहाँ से रिकॉर्डिंग पे जा सकते हैं आप, यानी कि इनेबल परमिशन कर देंगे तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी ये क्लिक कर देगा। यहाँ से वॉइस आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरी वॉइस आ रही होगी आपको। वो डबल इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पे भी माइक के थ्रू इससे यहीं के यहीं वो हो रहा है, उस वजह से यानी यहाँ पे स्पीकर हो रही है, यहाँ पर माइक है तो उसके वजह से थोड़ा डबल अप साउंड आपको आ रहा होगा। यहाँ से आप यानी कि फ़ोटोज़ ले सकते हैं क्लिक करना चाहे तो। और हम आपको एक मोशन ट्रैकिंग दिखाते हैं, ये देखिए मैंने इधर को हाथ किया, मैं इधर बोल रहा हूँ ना तो इसलिए वो इधर आ गया, मैं अब सिर्फ हाथ को लाऊंगा। तो ये देख सकते हैं गाइस यानी जैसे मैं रोटेट करूँगा वैसे वो रोटेशन होगा। ये ऑडियो का है, यहाँ से ऑडियो बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। अब मैं इसका नाइट मोड एक बार करके दिखा देता हूँ आपको कैसे उसमें क्वालिटी दिख रही है, तो आपको और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लाइट ऑफ करते हैं, अब ये देख सकते हैं एक लाइट ऑफ हो गई है, दूसरी लाइट को भी ऑफ कर देंगे लड़की भी। देन उसके बाद मैं यहाँ पर और बंद कर दो। अब देख सकते हैं आप जैसे ही मेरे मोबाइल की लाइट पड़ रही है, वो IR लाइट्स इसमें भी चालू नहीं हुए, अभी IR लाइट्स चालू हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ की यानी कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें लाइट चलती है या नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अभी दिख रही होगी ब्लू लाइट जल रही होगी, तो ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर ये कनेक्ट नहीं होता है नेट से तो ये ब्लिंक करती रहती है, यानी ब्लिंक करेगी। और बाकी में अब यहाँ पर IR लाइट्स चालू हुई हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप। अब कुछ इस तरीके से आप कैमरे में दिख रहा होगा, कैमरे के सामने क्वालिटी देख सकते हैं कितनी क्लैरिटी से दिख रहा है, एकदम क्वालिटी वाइज क्लियरली दिख रहा होगा आपको। यहाँ देख सकते हैं कि कैमरा भी दिख जा रहा है हमारा, बैक और कैमरामैन भी दिख जा रहा है हमारा, और मैं भी आपको दिख जा रहा हूँ, थोड़ा सा दिख रहेंगे हम, है ना। तो चलिए अब हम लाइट ऑन करते हैं, उसके पहले दिखा दूँ कि यहाँ पे 4 IR आपको लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। हमने लाइट चालू कर दी, आपको दिख रहा होगा। तो अभी लाइट चालू हो जाने के बाद में कुछ सेकंड में ही ये अपने और कलर मोड में आ जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको क्वालिटी देखने के लिए मिली होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए गाइस। तो गाइस इस कैमरे को मैंने सिर्फ 900 रुपये में परचेज़ किया था, तो इसकी बाय लिंक मैंने सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर हाईलाइट कर दी थी। जो भी ऐसी बेहतरीन डील्स आती है जिसके ऊपर मनी सेविंग वाली आती है, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर हाईलाइट करता हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा होगा। और अगर आप इसे बाय करना चाहते तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।